आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ तो मेरे आजीज़ों आज हम बात करेंगे मसीही रोज़े की टाइमिंग के बारे में अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि मसीही रोज़े की टाइमिंग क्या है क्या मसीही रोज़ा छः घंटे का होता है क्या मसीही रोज़ा बारह घंटे का होता है या अठारह घंटे का होता है या चौबीस घंटे का होता है या, या सुबह चार बजे का होता है या छः बजे का होता है इस तरह के बहुत सारे वो सवाल करते हैं कि मसीही रोजे की टाइमिंग आखिर क्या है तो आज हम इसी पे बात करेंगे इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदातन के कलाम को सीख सको समझ सको और खुदावन के कलाम से बरकत हासिल कर सको तो मेरे जिजो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं रोज़े की टाइमिंग क्या है सही रोज़े की कोई टाइमिंग नहीं है ये पुराने ऐतनामे की बातें हैं जहाँ पर रोज़े की टाइमिंग होती थी इसराइल कौम को मुख्तलफ़ तरह के हकाम देते थे और उन जब वो गुनाह करते थे जब वो नाफरमानी करते थे जैसा कि हम देखते हैं जब खुदा बाप ने उनको शरीयत की किताब दी उन्होंने योम कफ़ारा पे रोज़ा रखा उसके अलावा मेरे आजीज़ोंल की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब इसराइल कौम ने नाफरमानी की तो उन्होंने योएल नबी के ज़रिए अपने लोगों तक ये पैगाम भेजा कि वो रोज़ा रखें वो मातम करें वो खाकसार बने और खुदावन से माफ़ी मांगें रोज़े की जो टाइमिंग है और जो रोज़े के वक्त के बारे में लोग बात करते हैं ये पुराने ऐत नामे की बातें हैं लेकिन जब हम यसु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो मेरे अजीजों ये चीज़ें हम पे वाजिब नहीं रहती हैं ये चीज़ें फिर हम पे लागू नहीं रहती असल जो रोज़ा है वो ये है कि हम अपनी ऐसी चीज़ों को छोड़ें जो खुदा को पसंद नहीं है और हम उनसे तोबा करें अब हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं वो जनाकारी करते हैं चोरी करते हैं झूठ बोलते हैं गालियाँ देते हैं हरामकारी करते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं और वो साथ में रोज़ा भी रखते हैं तो मेरे ये रोज़ा नहीं है ये बस आप एक रस्मी तौर पे या आप एक मजहबी तौर पे रोज़ा रख रहे हो मेरे अजो आप हर वक्त रोज़े में रह सकते हो रोज़ा बस ये नहीं है कि आप फाका कशी करो आप भूखे रहो तो मेरे जिजो असल रोज़ा जो है वो ये है कि आप मसीह को कबूल करो मसीह के साथ चलो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना खुदा के साथ गुजारो दुआ में गुजारो कलाम पढ़ने में गुजारो ये आपका रोज़ा है मेरे जिजो ग्रंथियों के खत्म हम पढ़ते हैं कि हम जो हैं वो खुदा का मक़दस हैं यानी खुदा का रूह हमें बसता है और हम रोज़ेदार हैं हर टाइम अगर हम वाकई ही में खुदा के साथ चलते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो फिक्र करते हैं कि टाइम कितने से कितना होना चाहिए वो टाइम का रोज़ा रखते हैं ना कि वो हकीकी रोज़ा रखते हैं तो मेरे जिजो आज हमें टाइम का रोज़ा नहीं रखता आज हमें कितने घंटों के लिए बस फाका नहीं करना बल्कि हमने अपने आप को रासबाज बनाना है हमने अपनी उन चीज़ों को छोड़ना है जिन चीज़ों से खुदा को नफरत है फिर हम रोज़ेदार बनते हैं वो हमारा हकीकी रोज़ा है हम इन फजूल सवालों को छोड़ दें कि मसीही रोज़ा कितने घंटे का होता है मेरे अजीज़ों मसीही रोज़ा एक घंटे का भी है मसीही रोज़ा दो घंटे का भी है मसीही रोज़ा सात दिन का भी है चौबीस घंटे का भी है आप मसी रोज़ा किसी भी तरीके से रख सकते हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने आप को गैर कौमों से कंपेयर ना किया करो गैर कौमों में होता है इतने से इतने का रोज़ा मसीही कौम में ऐसा कोई रोज़ा नहीं पाया जाता जो टाइम का रोज़ा हो यह आपकी अपनी जाती, दिली मर्जी है कि आप कितने से कितने वक्त का रोज़ा रख सकते हो आपका जिसम आपको कितनी इजाज़त देता है लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जस्ट भूखे रहना हमारा हकीकी रोज़ा नहीं है हकीकी रोज़ा ये है कि हम हमेशा के लिए ये नहीं बस रोज़े आए रोज़ों में हमने थोड़ा परहेज़ कर लिया हमने ख्याल कर लिया हमने गुनाह छोड़ दी हमने जनाकारी छोड़ दी हमने झूठ बोलना छोड़ दिया गालियाँ देना छोड़ दी जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए हम फिर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में हमने ऐसा नहीं करना बल्कि हम अपनी सारी ज़िंदगी रोज़े में गुजारें और वो रोज़ा क्या होगा हम हमेशा दुनिया की चीज़ों की खुदा को कुर्बानी देते रहे हम दुनिया की चीज़ों का इनकार करते रहे और यही हमारा खुदा के हजूर हकीकी रोज़ा है हकीकी रोज़ा यही है मेरे अजीजों के हम दुनिया की चीज़ों को खुदा के लिए तरक कर दे और हम अपने आप को खुदा के लिए वक़्फ़ कर दें खुदा के लिए जिंदगी गुजारें यह हमारा हकीकी रोज़ा है तो यकीन मेरे उन बहन भाइयों को जवाब मिल गया होगा जो रोजे की टाइमिंग को तलाश करते रहते हैं तो मेरे अजीजों बाइबल में कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है जहाँ पे फिक्स रोज़े की टाइमिंग को हाईलाइट किया गया हो या बताया गया हो तो मेरे अजीजों यकीन इस वीडियो से आपको बहुत बरकत मिली होगी इस वीडियो को उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रोज़े के टाइमिंग के बारे में सवाल करते हैं या मुख्तफ तरह के सवालत पूछते हैं थैंक यू सो मच गॉड बस यू